आने में हैदर की सना मिलती है पूरे कुरान में। जिंदगी भाई पा अपने जो तसादो कर दे, जिंदगी भाई पा अपने जो तसादो कर दे, अब कहाँ ऐसी जमाने में वफा मिलती है। कि लाख छिन जाए जमाने का सुकून मोमिन को, हाँ मगर कब्र में जन्नत की हवा। अपने चहीते बेटे के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कितना चाहते थे रसूल इस्लाम अपने इस नवासे को, तवज्जो कीजिएगा, इतना चाहते थे जाने गिराम कदर। क्या आप मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और इमाम मजलूम करबला आते हैं, इमाम मजलूम करबला का पैर अबा के दामन में उलझ जाता है। जब उलझ जाता है जाने गिराम कदर तो एक मरतबा आप खुतबे को रोककर इमाम मजलूम करबला को उठाते हैं और उठाने के बाद लोगों को पहचानवाते बताते हैं कि देखो ये पहचान लो, ये मेरा हुसैन है। और आपने उठाकर इमाम मजलूम करबला को वहीं लाकर बिठाया कि जहां आप खुतबा दे रहे थे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। लिहाजा इमाम ने यानी रिसालत मआब ने इमाम को उठाकर लोगों को बता दिया कि देखो आज अगर इमामत गिरी है तो रिसालत में बढ़ के उठाया है, और कल जब रिसालत गिरेगी तो इमामत बढ़ के उठाएगी। सलावात भेज दे मोहम्मद। एक वाक्य और पेश कर दूं। ऐज़ाने गिरामे कद कितना चाहते थे, तवज्जो कीजिएगा, इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि जब ईद का वक्त करीब आता है तो हर इंसान से, माँ से सबसे पहले बच्चा माँ से कहता है अम्मा कल ईद का दिन है मुझे नया लिबास चाहिए। ये कहता है नहीं कहता है, हैं भाई कहता है कि नहीं? जब कहता है कि अम्मा मुझे नया लिबास, से नहीं कहता इसलिए कि औलाद की जरूरत को माँ सबसे पहले जानती है। भाई एक मरतबा जाने के नाम कद कहा अम्मा लिबास चाहिए, कहा अच्छा बेटा, वाकई को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, कहा अम्मा लिबास चाहिए, कहा अच्छा बेटा लिबास चाहिए, कि ठीक है। दोनों शहजादों के हाथ को पकड़ा और किसके पास लाई, रसूल अल्लाह के पास लाई, कहा बाबा कल ईद का दिन है, बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नया लिबास चाहिए और कल ईद का दिन है, तवज्जो कीजिएगा, कल ईद का दिन है, नया लिबास चाहिए। ऐदा ने गिरा में कहा जब इतना का नया लिबास, का बेटा जाओ घर जाओ आराम करो जाके, कल नया लिबास आ जाएगा। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह अरे नया लिबास लाएगा तो कौन लाएगा? कैसे सुन रहे हो आप, तवज्जो नहीं दिया आपने। भाई अगर कल ईद का दिन है, आज शाम में अगर आप टेलर के जाए और जाकर कहेंगे कल सीना है तो मना कर देगा भाई, इनकार कर देगा कि कल नहीं हो सकता है, मैं तो नहीं सी सकता कल। लेकिन रसूल इस्लाम ने कहा जाओ सो जाओ, दोनों शहजादे जाके सो गए, सुबह नमुदार हुई, दक्कुल बाब हुआ, आने वाले ने दक्कुल बाब के दरवाजा खटखटाया, इधर शहजादी ने पूछा कौन, कहना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, लिबास लेकर आया हूं। तवज्जो कीजिएगा, जब इतना कहा मैं लिबास लेकर आया हूं, ऐजाने गिरामे कद लिबास आ गया, शहजादी लिबास को लेकर किसके पास पहुंची, रिसालत मआब के पास पहुंची। बेटा कैसा लिबास हसन, कहा कि सब्ज लिबास चाहिए। हुसैन कैसा, कहा सुर्ख लिबास चाहिए। अब मैं बच्चों के लिए वाजह कर दूं, बेटा सब्ज लिबास किसे कहते हैं, ग्रीन कलर का लिबास।
तवज्जो फरमाई आपने, इंग्लिश में समझ गया ग्रीन कलर। और इमाम हुसैन से पूछा कि बेटा कैसा लिबास चाहिए, तो आपने कहा कि सुर्ख, सुर्ख यानी रेड कलर का। तवज्जो फरमाई आपने, एक ने ग्रीन कहा, एक ने क्या कहा, रेड कहा। आ गई समझ में आपकी, ये आपको समझाना जरूर समझता था। एक सलावत पढ़े बाबा जरा। अब तारीख बताती है, तवज्जो कीजिएगा, एक किताब है 14 सितारे, दूसरी सीमाए पेशवायान, और भी किताबें हैं जिनमें सब में लिखा है, तवज्जो कीजिएगा तारीख की किताबों में, कि जब लिबास आया था जन्नत से तो ना हरा था न लाल था। अरे क्यों नहीं था हरा और लाल, अल्लाह भेज सकता था हरा और लाल, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन गौर और फिक्र फरमाइएगा, जब लिबास आया था तो उस लिबास के साथ एक तश्त में पानी भी आया था, तवज्जो, पानी भी आया था। अब एक मर्तबा का बेटा कौन सा लिबास चाहिए हसन, कहरा, पानी में लिबास डाला, जैसे ही निकाला तो हसन के लिए लिबास हरा हो गया था। दूसरे के लिए पानी में लिबास डाला, कैसा का, सुर्ख रेड कलर का, जैसे ही निकाला तो रेड हो गया था, लाल हो गया था। तवज्जो कीजिएगा, दोनों शहजादों को लिया और लेने के बाद अब चलते हैं, रास्ते में एक सरफिरा मिल जाता है, वो कहता है या रसूलल्लाह लाओ, मैं बच्चों को लेके चलता हूँ। कि नहीं, आप नहीं लेके चल सकते बच्चों को। ऐज़ाने गिराम में कद, मैं पहले यहाँ एक जुमला बयान करूँ, भूल ना जाऊँ उसे। बच्चों की उंगली को पकड़ा, बच्चों ने रिसालत माब की उंगली को पकड़ा, रिसालत माब बच्चों को लेकर चल रहे हैं। जब रिसालत माँ बच्चों को लेकर चल रहे हैं, अब अगर किसी नाना से बच्चे ये कहें कि नाना हम आपके कांधों पर बैठना चाहते हैं, तो वो नाना, आज का नाना ये कहेगा कि ऐसे ही चलो, तवज्जो की। लेकिन वार अजमत रसूलल्लाह पर लाखों सलाम, रिसालत माम ने, तवज्जो, जुमला दे रहा हूं बेदारी के साथ, मौलाइयों में पढ़ रहा हूं, ऐदान, रिसालत माम ने दोनों शहजादों के कहने से दोनों को अपने कांधों पर बिठा लिया। अब जुमला सुनिएगा, अगर रिसालत ने अली को कांधे पर बिठाया और अली को कांधों पर उठाया और पहचानवाया, तो हसन और हुसैन को भी पहचानवाया। अरे कैसे सुन रहे हैं आप, कहां बैठे हो, तवज्जो। अगर रिसालत माब ने, तवज्जो, अली को अपनी जबान चुसाई तो हसन और हुसैन को भी जबान चुसाई। एक दिन ऐसा आया कि बाप कुल्ले ईमान बना, बेटा कुल्ले दीन बना। सलावत भेज दो मोहम्मद, दोनों शहजादे कहां बैठे हैं, कांधों पर बैठे चल रहे हैं। सर फिरे ने कहा कि लाओ इन्हें मुझे दे दो। कहा भाई तुम्हें, तुम खुद से इन, अगर ये खुद से आ जाएं तो ले लेना, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। बस एक मर्तबा उन्होंने जैसे हाथ बढ़ाया तो दोनों बच्चों ने मुंह फेर लिया। ये किसी इंसान से नहीं बल्कि निजासत से मुंह फेर रहे थे। अदेदाने के नाम में कद याद रखिएगा, बस एक मां, लाओ दे दो। कदई दे दो, भाई जबरदस्ती क्यों कह रहा है, सोलो लाओ दे दो, आपके कांधे दुख गए होंगे। बैक मत और रिसालत मां आपने कहा कि जब ये मेरे दोस्त पे आते हैं तो मेरे कांधे नहीं दुखते बल्कि मेरा जोफ तमाम हो जाता है। रिसालत माँ आपने नहीं दिया, ना बच्चे गए। कहा भाई अच्छा, अगर इनसे देख लो कोशिश करके, बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे नहीं गए, बच्चे रिसालत के। काओ हो, चिड़ के कहा, देखो तो सही सवारी कितनी अच्छी है। नहीं तवज्जो दी, नारा हुसैनियत का गूंजना चाहिए, बैतूल में पढ़ रहा हूं पहली बार नहीं, तवज्जो। काओ हो, देखो सवारी कितनी अच्छी है। रिसालत ने, खबरदार, तूने सवारी को तो देखा है, सवारों को नहीं देखा। सलवा
तूने सवारी को तो देखा है, सवारों को नहीं देखा? ये भी तो कहो कि सवार कितने अच्छे हैं। बस एक मर्तबा ऐदाने गिरा में कद कला रसूलल्लाह दे दो कि नहीं भाई तुम्हें क्या अजियत हो रही है, बच्चे मेरे हैं, तुमको क्या अजियत है, क्या परेशानी है? कहा अच्छा, कहा तो नहीं दोगे? कहा नहीं। क्या क्यों? इसलिए कि फूल जिस शाख का होता है उसी पे अच्छा लगता है। ये दोनों मेरे फूल हैं, मेरे कांधों पर अच्छे लगेंगे। किसी शायर ने शेर का अपने मकसद तक पहुंचने को है हर्ष बेताब, फूल जिसका है उसे क्यों ना पुकारे खुशबू। ये दोनों मेरे फूल हैं और मेरे साथ ही अच्छे लगे, मेरे कांधों पर अच्छा।